सबसे पहले मैं आपके सामने एक लेआउट को क्रिएट करूंगा, और लेआउट क्रिएट करने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा कि ग्रेड फार्मूले में अक्सर औकात 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि नंबर्स और परसेंटेज को मिलाकर ग्रेड निकालना चाहते हैं, तो वो गलती कर जाते हैं। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है, जब आपने नंबर्स के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की है तो फिर नंबर्स में ही आपने ग्रेड फार्मूला निकालना है। जब आपने परसेंटेज को परसेंटेज में कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल परसेंटेज जो है आपने परसेंटेज के साइन के साथ निकाली है, तो आपने जो ग्रेड का फार्मूला है वो भी परसेंटेज के साथ ही निकालना है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को नहीं समझ आई होगी तो अभी मैं क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक लेआउट क्रिएट करता हूँ। मैं तो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, सिर्फ 5 से 6 स्टूडेंट्स पे हम करेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। अब जो हमारी कल की क्लास होगी वो इंशाल्लाह ताला वो मार्कशीट पे होगी प्रॉपर, कि हमने किस तरीके से मार्कशीट को क्रिएट करना है। मैं ये 8 बच्चों का डाटा बना लेता हूँ, इसको करता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे सेम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंग्लिश मार्क्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैथ्स, बल्कि मैं इसमें सिर्फ नाम लिखता हूँ ताकि मेरी जगह कम घिरे, इंग्लिश मैथ उर्दू इस्लामियात फिजिक्स और कंप्यूटर। ठीक है जी, ये मैंने 1 2 3 4 5 और मैं एक और ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल पार्क स्टडी, कोई कुछ भी रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनके मैं इनके नंबर्स लगाता हूँ, मैं इनको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ ताकि मेरे ये अच्छे फॉर्मेट में आ जाएं, और या इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको सेंट्रलाइज करता हूँ या इनको बोल्ड कर दिया, और इसका थोड़ा सा कलर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास, ऑप्टेन मार्क्स कितने लिए, ऑप्टेन मार्क्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क्स के ऊपर ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। अब आप सुन लें, गलती ना कीजिएगा, सबसे पहले हम मार्क्स के ऊपर परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, फिर हम परसेंटेज के ऊपर ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। दोनों फार्मूले अलग-अलग से हैं, यहां पर गलती करेंगे तो ग्रेड फार्मूले का आंसर आपको रॉन्ग आएगा हमेशा। ठीक है, गलती नहीं करनी। सबसे पहले हम यहां मालूम कर लेते हैं ग्रेड किसके ऊपर, मार्क्स के ऊपर। अब हम यहां पर स्टूडेंट्स की निकालेंगे परसेंटेज, क्या निकालेंगे परसेंटेज, मैं यहां पर लिख लेता हूं परसेंटेज इसकी कितनी है। परसेंटेज के बाद फिर हम दोबारा से ग्रेड का फार्मूला निकालते हैं, तो आप को समझ आए कि ग्रेड फार्मूले में गलती ना हो, आप कभी भी इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने गलती नहीं करनी। मैं इस दोनों को इंटर कर देता हूं, पहले मैं इस परसेंटेज को यहां ले आता हूं ताकि एक बार ही सारा काम क्लियर हो जाए, उसके बाद हम ग्रेड फार्मूले पे जाएं। मैं इसको परसेंटेज को यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर इसको 1 और 2 का नाम दे देता हूं, ताकि इन दोनों को, क्योंकि दोनों में हमने निकालना ग्रेड का फार्मूला ही है। ठीक, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो दोस्तों, अब हमने क्रिएट किया, क्या हम क्रिएट करने लगे ग्रेड का फार्मूला। मैं अल्टर इंटर करके इसको नीचे करता हूँ, टोटल मार्क्स को अल्टर इंटर करके नीचे, पार्क स्टडी को अल्टर और इंटर करके नीचे, इस सारे को पकड़ के इनको सेंट्रलाइज करता हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ, ताकि जानबूझ के आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो इन एक्सेल। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इन सारों को हाईलाइट कर दिया, एक एक कॉलम को पकड़ कर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने बोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्क स्टडी तक इसका कलर थोड़ा सा और रख देता हूँ, टोटल मार्क्स मार्क ऑब्टेन और परसेंटेज का कलर मैं थोड़ा सा और रख देता हूँ, ताकि मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो कलरफुल बने, और इनका जो है वो मैं, इन दोनों का जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लैक रहने के साथ मैं इनका कलर कर देता हूँ ऑरेंज, ताकि आप लोगों को क्लियर। अब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर आने के बाद बॉर्डर्स दे देता हूँ। ठीक है जी, क्या दे दिया मैंने, बॉर्डर्स, ताकि और इन पूरे को मैं क्लियर करने के बाद ये ऑल बॉर्डर्स मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर आकर दोबारा से इनको थिक बॉर्डर करता हूँ, ताकि मेरा ये बॉर्डर अच्छा लगे। अब मैं क्या करूँगा जी, इंग्लिश में फॉर एग्जांपल समरा खान ने इंग्लिश में नंबर्स लिए 55, मैथ्स में लिए 67, उर्दू में लिए इसने 88, इस्लामियात में लिए इसने 57, फिजिक्स में इसने लिए 32, कंप्यूटर में इसने लिए, मैं CUM लिख देता हूँ, ये बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, तो मैं CUM लिखता हूँ सिर्फ, कंप्यूटर
कंप्यूटर में इसने ले लिए जी 67, पार्क स्टडी में इसने ले लिए 89। ठीक है जी, अब सबसे पहले मैंने इनके नंबर लगाए, इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और नंबर्स को मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सब लोगों के नंबर्स डाल देता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। 25, 32, 45, 67, 87 और 92 और 33। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 45, 47, 49, 53, 54, 33 और 67। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 34, 35, 37, 38, 39 और 50। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 48, 49, 57, 58, 63, 67। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 54, 55, 67, 89, 26 और 38। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 90, 65, 45, 35, 78, 90 और इसके नंबर में लिख लेता हूँ 34, 48, 59, 63, 22 और 23। ठीक है जी, इनके मैंने सबके नंबर्स आपके सामने लिख लिए। अच्छा, एक कॉलम मेरा रह गया, मैं इसमें भी कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। 54, 53, 20, 33, 67 और 87। ठीक है जी, इन सारों के मैंने आपके सामने नंबर्स को डाल दिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सामने, जैसे मैंने लास्ट कंडीशंस आप लोगों को बताई थी, उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट करता हूँ जो कि 33 से बिलो नंबर पे हैं, जो कि 33 से बिलो नंबर्स में हैं, यानी कि उसका सब्जेक्ट जो है वो फेल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जी आप लोगों के सामने इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने में कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग हाईलाइट लेस देन, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी लेस देन कितना, 33। ओके जी, थर्ड लेवल मैंने पहले से ही मालूम कर लिया कि ये लेस देन 33, ये वाले बच्चे इन इन सब्जेक्ट्स में फेल हैं, जो कि आप लोगों को क्लियर मालूम होना चाहिए। अब टोटल मार्क्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 मार्क्स हैं टोटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर्स का ही पेपर, अगर 200 का तो आप 200 लिखें। अब 100 नंबर का एक पेपर है तो मैंने 700 ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स इनके सामने लिख दिए। ऑब्टेन मार्क्स में लिखता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स इनके कितने कितने हैं। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स में ले लेता हूँ इज इक्वल टू, ऑब्टेन मार्क्स कैसे मालूम होंगे, ऑब्टेन मार्क्स हमने ले लेने हैं यहां पर SUM सम का फार्मूला लगाना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और इंग्लिश से लेकर पार्क स्टडी तक हमने सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो जी कितने मार्क्स आ गए हमारे पास, ऑब्टेन मार्क्स कितने आ गए, 455 हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आ चुके हैं। मैं इनको क्या करूंगा जी, यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं इसको इग्नोर एरर को खत्म कर देता हूं। अब मैं यहां से लेकर यहां तक मैं आपको क्लियर करता हूं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको वापस आकर बताता हूं एक जगह पर, देखें ये एरर क्यों देता है। ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने जो रेंज ली यहां से लेकर कहां तक ली, 55, 67, 88, 57, 32, 67, 89, यानी कि जो टोटल मार्क्स वाला नंबर है ये हमने टोटल मार्क्स में सिलेक्ट नहीं किया, तो वो एरर दे रहा है, हमें बता रहा है कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे कि टोटल मार्क्स को भी आपने सिलेक्ट करना है। तो भाई हमने इसको कहा नहीं, हम गलती नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैं यहां पर आकर इस इग्नोर एरर को क्लियर कर दूंगा। अब मैं ऑब्टेन मार्क्स यहां से लेकर यहां तक क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने सबको क्लियर किया। अब मैं यहां पर सबको सिलेक्ट करके सबका जो एरर है उसको इग्नोर कर देता हूँ। अब देखें टोटल मार्क्स मैंने निकाल लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं टोटल मार्क्स के ऊपर आपको ग्रेड फार्मूला लगाकर दिखाऊंगा, परसेंटेज तो भी मैं काउंट ही नहीं कर रहा ताकि आप लोग डबल माइंडेड ना हो, क्योंकि अक्सर लोग होंगे वो परसेंटेज और इसमें फर्क नहीं कर पाते और अपने आप को गलती साबित कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इस पे किस पे करूंगा, नंबर्स पे। ग्रेड फार्मूला मैं किस पे लगा रहा हूँ, नंबर के ऊपर, ये मैं लिख देता हूँ नंबर्स पे। ठीक है, और ये ग्रेड मैं किस पे लगाऊंगा, फिर मैं आगे जब फिर ग्रेड लगाऊंगा परसेंटेज। आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को टीच करना और दोनों तरीकों को समझाना ताकि आप कल को गलती ना करें, क्योंकि अक्सर औकात ग्रेड फार्मूले में लोग गलती कर जाते हैं और मजे की बात है कि फिर प्रैक्टिस भी नहीं करते, छोड़ देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, परसेंटेज में एंड में निकालूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके आसानी तौर पर। ठीक है, सबसे पहले मैं इन नंबर्स के ऊपर ग्रेड फार्मूला लगाऊंगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ
मैं इसके येलो के ऊपर हाईलाइट करता हूँ, ग्रेड फार्मूला मैं आपको लगाकर सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें जी, सबसे पहले मैं ग्रेड फार्मूला लगाता हूँ। ग्रेड फार्मूला मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन में यहां पर लिखता हूँ ग्रेड की, जी ऑलरेडी ग्रेड, ठीक है, कंडीशंस में लिख देता हूँ। ग्रेड कंडीशंस में मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखें ग्रेड, ग्रेड कंडीशंस ए, अगर मैं कहूँ ग्रेड कंडीशंस में नंबर्स जब मैंने मालूम करने हैं, इसकी ग्रेड कंडीशन मैंने आपको दे दी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर तो एक बच्चा है उसके नंबर 450 से ज़्यादा हैं, किससे 450 से ज़्यादा हैं, इसमें ये टोटल नंबर आ रहे हैं 700 में से, ठीक है, हमने इस हिसाब से कैलकुलेट करना है 700 में से यहाँ से यहाँ तक। अगर एक बच्चा नंबर है उसके फॉर एग्जांपल 600, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 700 नंबर है, टोटल 650 लिख देता हूँ, 650 नंबर से उसके ज्यादा नंबर हैं, ग्रेटर देन 650 है, तो उसका ग्रेड बनेगा ए प्लस, ठीक, उसका ग्रेड क्या बनेगा, उसका ग्रेड जो बनेगा वो बनेगा ए प्लस, ठीक है। अगर कोई बच्चा उसके नंबर हमारे पास 600 से ज्यादा है और 650 के दरमियान है, यानी कि 650 वाले का मतलब है 600 से लेकर 700 नंबर के दरमियान, ये जो नंबर होंगे 600 से लेकर 700 नंबर के दरमियान होगा तो वो ए प्लस होगा। अगर वो 600 से लेकर 650 के दरमियान होगा तो उसको हम दे देंगे ए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है हमारे पास उसके नंबर में कह देता हूं 450 से लेकर, 450 से लेकर कहां तक है, 450 से 600 के दरमियान है, तो हम उसको दे देंगे जी बी ग्रेड, बी ग्रेड। और कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास, हमारे पास है 300 से, ठीक है, 300 से ग्रेटर देन है, तो हम 300 से लेकर कहां तक, 300 से लेकर 450 तक के नंबर अगर उसके आए हैं तो हम उसको दे देंगे ग्रेड सी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम उसको कह देते हैं वो बच्चा जो 300 से नीचे है, 300 से लेस देन कर देता हूं, वो स्टूडेंट्स जो 300 से नीचे आ रहे हो, आप मर्जी है 200 के ऊपर डी लगा दें, अपनी जिस हिसाब से मेंटेन करना चाहें आपका, वो स्टूडेंट्स जो 300 से नीचे होंगे उनको हम ग्रेड दे देंगे जी डी। अब हमने कितने फार्मूले निकालने, 1 2 3 4 5, मैं इन 5 तक जाता हूं। पर अब देखें जी, सबसे पहले हमने ग्रेड के फार्मूले को मालूम करना है नंबर्स के अंदर आकर, तो इसके लिए हम, मैं थोड़ी सी यहां पे जगह इंक्रीज करता हूं ताकि मेरे आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखें सबसे पहले हमने हमारा कॉलम ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं, बच्चे देखें 455 है, 381 381, 287 395 390, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं ग्रेड फार्मूला। अभी हम नंबर्स पे लगा रहे हैं, परसेंटेज पर नहीं लगा रहे, परसेंटेज पे इसको लगाने के बाद लगाएंगे ताकि गलती ना करें, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, देखें जी सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं अपने आता हूँ उस ग्रेड नंबर के ऊपर, अपने इस फार्मूले को मुझे, अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले इज इक्वल टू, मैं जैसे इज इक्वल टू लिखूंगा उसके साथ मैंने लगाना है आई और एफ, इफ के साथ शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं अपना कॉलम नंबर सेलेक्ट करूंगा, मेरा क्या है K3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कहता हूं शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, सबसे पहले हमने क्या कंडीशन दी थी 650, अगर 650 नंबर से ज्यादा है, अगर 650 नंबर से ज्यादा है, फिर मैं क्या लिखूंगा कॉमा, कॉमे के साथ मैं डबल पोजीशन लगाऊंगा, तो उसको हमने क्या कहा था जी, उसका ग्रेड क्या हो ए प्लस, हम यहां पे लिखेंगे ए, ए के साथ शिफ्ट के साथ प्लस दे दूंगा, फिर डबल पोजीशन लगाया, ठीक है, और फिर कॉमा, एक ए प्लस की जो हमारे पास फार्मूला था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलने लगे हैं ए के फार्मूले के ऊपर, अब दोबारा से हम क्या लिखेंगे आई एफ इफ, शिफ्ट के साथ वो ही ब्रैकेट, उसके बाद दोबारा से के, के और थ्री वाले पे दोबारा से क्लिक कर दूंगा। अब मैं कहता हूं जी ग्रेटर देन कहां से, 600 से 650 के दरमियान हो, तो मैं 600 लिखूंगा, ठीक है, ये देखें ये मैंने 600 से 650 के दरमियान होगा, उसके बाद मैं क्या लिखता हूं कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल पोजिशन, डबल पोजिशन लिखने के बाद मैं उसको क्या कहूंगा कि ये मेरा कौन सा ग्रेड है, ये मेरा ग्रेड है ए, मैंने ए लिख दिया, शिफ्ट के साथ डबल पोजिशन, अपना ब्रैकेट बंद और कॉमा लगा दिया, तो मेरा दूसरा फार्मूला भी जो था 600 वाला, वो सॉरी मेरे से गलती हो गई, दूसरा फार्मूला भी जो था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं तीसरा मालूम करूंगा, बी की कंडीशन दूंगा, तो मैं दोबारा से क्या लिखूंगा जी आई और एफ इफ, शिफ्ट के साथ वही काम दोबारा से, इसको लिखूंगा, इस कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इसके बाद में क्या करूंगा हमारे पास ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन के बाद हमारे पास क्या था, 450 होगा तो बी, 450 से लेकर 600 के दरमियान अगर हमारे नंबर होंगे तो उसका ग्रेड होगा बी। मैं यहां पे लिखता हूं बी, ठीक है। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन में क्या लिख दूंगा, 450, 450 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जी, कॉमा लगाया, शिफ्ट के साथ डबल पुटिशन लगाई और उसके अंदर क्या लिख दूंगा मैं, बी, बी के साथ डबल पुटिशन को क्लोज किया, फिर कॉमा। अब हमने देखिए अभी तक जो हमने काम किया, पहले हमने बताया कि अगर 650 से ज्यादा होंगे, 650 से 700 तक नंबर होंगे तो ए प्लस, फिर 600 से लेकर 650 के दरमियान नंबर होंगे तो ए ग्रेड, फिर 450 से लेकर 600 नंबरों तक होंगे, फॉर एग्जाम्पल 400 से लेकर 600 नंबर तक होंगे तो हमारे पास बी। अब 600 जिसके नंबर 600 होंगे ना उसका भी ग्रेड बी होगा। हमने लिखा है 600 ग्रेटर देन का मतलब है 601, जिसके नंबर 601 होंगे उसका ग्रेड ए हो जाएगा, समझ आ गई। अब हमने कहां तक मालूम कर लिया था, बी तक, हमने बता दिया था 450। अब हम अगला मालूम करते हैं सी वाला। अब हम लिखते हैं आई एफ एफ दोबारा से, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, उसके बाद हम दोबारा से ऑब्टेन मार्क्स को लिखेंगे। अब हमने मालूम करना था किस चीज को, सी ग्रेड के लिए। अब हम दोबारा से लिखेंगे जी ग्रेटर देन कितना, अगर ग्रेटर देन 300, ग्रेटर देन 300, 300 से लेकर 450 तक ये काउंट करेगा, ठीक है। 300 से 400 ग्रेटर देन 300, मैं यहां पे लिख देता हूं 300। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, कॉमा, कॉमा के बाद हमने डबल पोजिशन लगाई। डबल पोजिशन लगाने के बाद सिंपल सामने क्या काम किया, हम यहां पर बी लिख देंगे जी। बी लिखने के बाद हमने डबल पोजिशन दोबारा से क्लोज कर दिया और हमने फिर कॉमा लगा दिया क्योंकि अभी हमारा तीन, अब मैं कहता हूं जितने भी 300 से नीचे वाले नंबर हैं, 300 से नीचे वाले नंबर जितने भी हैं उनको क्या ग्रेड मिल जाए, डी। तो अब मेरा सिंपल सा फार्मूला क्या है, वही कंडीशन आई आर एफ इफ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं क्या करूंगा जी, सिंपल सी बात, इसी कॉलम को ऑब्टेन मार्क्स को मैं दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, K3 को। फिर मैं कह दूंगा, पहले मैं ग्रेटर देन लगा रहा था, अब मैं लेस देन लगाऊंगा। लेस देन कितने जी, 300 से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको डी ग्रेड मिल जाए, ठीक है। ये मैंने सिंपल से किया, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं शिफ्ट के साथ डबल पुटिशन, डबल पुटिशन लगाने के बाद मैं सी लिख, मैं क्या लिख दूंगा, डी, जो मैं बता रहा था मैंने लिखना था डी। डी के बाद मैं डबल पुटिशन लगाऊंगा और अच्छा, अब मैं जरा गलती, थोड़ी सी गलती कर गया फार्मूले में, जरा देखें। पहले मैंने लगाया 650 से ले, 650 से ऊपर जो होंगे वो उनका ए ग्रेड होगा, ग्रेटर देन 600 जो होंगे उनका ए प्लस इनका होगा, ए इसका होगा, फिर हमने बी इसका होगा, तो मुझे यहां पर सी लिखना चाहिए था, जो कि मैं गलती से क्या लिख गया, मैं यहां पर गलती से बी लिख गया, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं सी, मैं इसको सी लिख देता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया जी, डी। अच्छा, अब आपने गौर करना है, यहां तक जब आपने फार्मूला लिख लिया आपने कितने ब्रैकेट इस्तेमाल की, ये देखें जी, ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2, ब्रैकेट नंबर 3, ब्रैकेट नंबर 4, ब्रैकेट नंबर 5, आपने 5 ब्रैकेट इस्तेमाल किए, तो आपने कितने बार ब्रैकेट को बंद करना है, 5 बार, शिफ्ट के साथ एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, और ये देखें पांच, वो पहला वाला ब्रैकेट जो है ना, पांचवा पहला वाला ब्रैकेट बिल्ड होगा, पांचवा ब्रैकेट, पांचों के पांचों मैंने ब्रैकेट जी बंद कर दिया। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो आपके पास रिजल्ट आ गया, आपके पास रिजल्ट इसका क्या आया, ग्रेड, इसका बी ग्रेड क्यों कैलकुलेट हुआ, जरा गौर करें, इसका बी ग्रेड इस वजह से कैलकुलेट हुआ, हमने बी ग्रेड की कंडीशन क्या दी थी, हमने कहा था कि 450 से लेकर अगर तो 600 के दरमियान नंबर होंगे, ठीक है, 450 से लेकर 600 के दरमियान होंगे नंबर तो बी ग्रेड होगा। तो आप इसके देखें जी, इसके 450 से नंबर ज्यादा हैं, इसके कितने नंबर हैं, 455, जिसकी वजह से इसने क्या कैलकुलेट किया, इसने बी ग्रेड को कैलकुलेट कर लिया, समझ आ गई बात। अब देखें, मैं तो इसके नंबर यहां पे थोड़ा सा चेंज करके बढ़ाता हूं, मैंने कहा था कि अगर 600 से ज्यादा नंबर हो तो ए प्लस आए, ठीक है, मैं जरा इसके नंबर चेंज करके 600 से ज्यादा लेके जाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं इसके यहां पे कर देता हूं 100, मैं इस पे यहां पे करता हूं 99, मैं इस पे करता हूं 99, इस पे मैं करता हूं 98, इस पे मैं करता हूं 98, इस पे मैं कर देता हूं 98, इस पे मैं कर देता हूं 97, और ये देखें जी, अब इसके नंबर कितने हुए, इसके नंबर हो गए 700 में से 678, यानी कि 650 नंबरों से इसके नंबर क्या हो गए,
ज्यादा हो गए। जैसे ही 650 यानी कि 651 नंबर होगा तो उसका ए प्लस ग्रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जी इसका ए प्लस नंबर ग्रेड बन चुका है। अब इसी तरीके से देखें, अगर वो अगर इसके मैं पूरे 600 नंबर बनाता हूं, 600 नंबर बनाऊंगा ना, तो आप देखिएगा इसका बी बी ग्रेड बनेगा। मैं दोबारा से उसको रीजन कि हमने लिखा है कि 600 से ज्यादा हूं, 600 से ज्यादा की मुराद होती है 601 नंबर। मैं यहां पर पूरे 600 करके दिखाता हूं आपको, ये देखें जी 100, 200, 300, 400, 500, 600 नंबर मैंने पूरे कर लिए, इसको मैं जीरो कर देता हूं। ठीक है, ये देखें जी इसका बी ग्रेड नंबर आया। इसका बी क्यों आया, क्योंकि ये 601 अगर होता ना तो आपके पास फिर आना था ए ग्रेड। मैं यहां पर एक नंबर डाल देता हूं तो आप देखें 601 नंबर हो गए तो आपका ए ग्रेड आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से वो स्टूडेंट जिनके 450 नंबर से लेकर 600 के दरमियान होंगे, ठीक है, 400 ये वाला फार्मूला इसको कवर करेगा, यानी कि 600 से लेकर 650 तक ए ग्रेड, 601 से लेकर 650 तक ए ग्रेड, 400 कहां से 451 से लेकर 600 तक ये वाला ग्रेड बनेगा, ये वाला कहां से बनेगा 301 से लेकर 450 तक बी ग्रेड बनेगा। अब हम यहां पर नंबर कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं इस वाले को 450 यानी कि 450 से ग्रेटर देन, मैं पूरे 450 लिखता हूं, जब मैं अगर पूरे 450 नंबर लिखूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो ग्रेड है वो बी नहीं बनेगा, आपका आपका ग्रेड बी नहीं बनेगा जब मैं 450 नंबर लिखूंगा। 100, 200, 300, 400 मैं इनको डिलीट करता हूं, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको डिलीट, मैं यहां पर 50 लिख देता हूं, 50। अब देखें आपका ग्रेड सी बना, यहां पे 450 बी है लेकिन यहां पे सी क्यों बन रहा है, भाई हमने बताया हुआ है कि 450 से ग्रेटर देन, तो जब 451 नंबर होंगे तो इसका ग्रेड बी बनेगा। मैं यहां पे एक नंबर और लगाता हूं उसका, ये देखें जी आपका ग्रेड क्या बन गया, आपका ग्रेड बन गया 451, 451 नंबर हो तो आपका बी ग्रेड बन गया। अब मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूं, अब मैं बताता हूं 300 से ग्रेटर देन, 300 से मैं यहां पर 300 भी करूंगा ना तब भी आप देखेंगे इसका ग्रेड डी बनेगा। ठीक है, मैं यहां पे 300 नंबर लेता हूं उसकी, ये देखो सब पे जीरो कर देता हूं, यहां पे 100, 200, 300 पूरे मैंने 300 नंबर ले लिए। ठीक है, अब मैंने 100, 200, 300 नंबर ले लिए तो वो मुझे क्या कह रहा है जी, वो मुझे फॉल्स, वो मुझे गलत का ऑप्शन दे रहा है कि लेस देन, जब मैं 300 से नीचे आऊंगा मुझे गलत दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक नंबर देता हूं, एक, ठीक है, वो आपको क्या कह रहा है जी कि आपका जो ग्रेड है वो सी बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मैंने शायद फार्मूला में कोई मिस्टेक ना कर दी हूं, मैं जरा चेक कर लेता हूं, K3 लेस देन 300 बराबर है डी, 1, 2, 3, चार, नहीं मेरा फार्मूला ठीक है। अब मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं, इसको भी मैं डिलीट करता हूं, 0 जी। अब आप देखें जी 300 से जितने भी नीचे नंबर होंगे, 300 से नंबर जितने भी नीचे होंगे वो 300 वाले वो आपको क्या शो करेगा, डी। अब मैं यहां पर थोड़े थोड़े से नंबर सबके डालता हूं, फॉर एग्जाम्पल 100 मैं इस पर डाल देता हूं, 98 यहां पर मैं डाल देता हूं, 97 97 के बाद मैं डाल देता हूं 67, इस पर मैं डाल देता हूं 87, इस पर मैं डाल देता हूं 92। तो दोस्तों आपके सामने ए ग्रेड आया, ए ग्रेड क्यों आया, 621 नंबर है, लेकिन ए प्लस कब बनेगा, जब 650 से ज्यादा। मैं इसको पकड़ के इन सारे बच्चों के नंबर्स को कैलकुलेट कर देता हूं। तो दोस्तों आपके सामने तमाम बच्चों के ग्रेड्स आ चुके हैं, आपने मालूम कर लिया कि इनका क्या क्या ग्रेड बना। ठीक है, अब हम पहले हमने ग्रेड मालूम किया था ऑप्टेन मार्क्स के ऊपर, परसेंटेज पे मालूम नहीं किया, ये बात याद रखिएगा, परसेंटेज और मार्क्स नंबर्स में फर्क होता है दोनों में। अब हम परसेंटेज पे ग्रेड्स मालूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात लोग नंबर्स और परसेंटेज को मिक्स कर देते हैं, बीच में मिला देते हैं, तो जिसकी वजह से उनको ग्रेड का फार्मूला नहीं निकलता, कन्फ्यूजन पैदा होती है, जिसकी वजह से वो बार बार सोच में पड़ जाते हैं कि ग्रेड फार्मूला लग ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज पे मालूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं जी, परसेंटेज इस पूरे कॉलम को मैं यहां पर आऊंगा, यहां से लेकर सेलेक्ट करूंगा, अब मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज पे क्लिक कर दिया इस वाले को, ताकि इसमें परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर, आपकी परसेंटेज आ गई जी 89%, यहां से लेकर मैं यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा अब मेरी कंडीशन क्या थी, मेरी कंडीशन ये थी, मैं इस पूरे फार्मूले को डिलीट कर देता हूं यहां से, ताकि ये देखें अब हमने अलग-अलग तरीके से मालूम किया था। अब मेरी अलग से मैं कंडीशन देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मेरी जो 85% है, मेरी 85%, जो बच्चा 85% से ज्यादा होगा उसको ए प्लस दे देंगे, जो बच्चा 70 से ज्यादा होगा
70% से, 70 से नहीं, 70% से ज्यादा होगा, उसको क्या कह देंगे हम? ए, जो बच्चा हमारे पास 60 से ज्यादा होगा, 60% से ज्यादा होगा, उसको हम क्या कह देंगे जी? उसको हम कह देंगे बी, जो बंदा 50% से ज्यादा होगा, 50% से ज्यादा, ठीक है, उसको हम कह देंगे सी, और जो बंदा 50% से नीचे होगा, 50% से नीचे होगा, परसेंट से, नंबर से बात नहीं हो रही, 50% से नीचे होगा, तो उसको हम कह देंगे ये डी, कि इसका जो नंबर है उसको जो ग्रेड कैलकुलेट होगा वो उसका डी कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। अब देखें हम किस तरीके से मालूम करते हैं, सिंपल में दोबारा से उसी, पहले हमने नंबर्स पे कैलकुलेट किया था नंबर्स के हिसाब से, अब हम परसेंटेज पे काउंट कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से। मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर आऊंगा, इजिकल टू लिखूंगा, ठीक है, इजिकल टू लिखा, इजिकल टू लिखने के बाद आपको जैसे मालूम था आपने लिखना था आई और एफ। इफ मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं ताकि कंप्यूटर की स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नजर आए, मैं इसको यहां पर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर। आपने क्या करना है जी, परसेंटेज के हिसाब से जब ग्रेड निकालना होगा, नंबर से निकालने का मतलब अलहदा होता है, ग्रेड से निकालने का मतलब अलहदा, परसेंटेज पर अलहदा। अब मैं क्या लूंगा, इजिकल टू, जब मैंने इज इक्वल टू किया, इज इक्वल टू करने के बाद मैं क्या करूंगा जी, आई एफ एफ, परसेंटेज पे कैसे निकलेगा ग्रेड, हमेशा ये उस नंबर को कैलकुलेट करेगा जिसके साथ परसेंटेज का साइन होगा, अगर इसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं होगा तो ये नंबर्स काउंट हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, आपका जो ग्रेड का फार्मूला है वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे भी परसेंटेज निकालते हैं ना, ये देखिए मैं इज इक्वल टू करता हूँ, इसकी इसको डिवाइड किया आपने, इस पे यहां पे लाके एंटर मारा, आपकी परसेंटेज निकल आई 0.78, ठीक है, यहां पर आप यहां पर आते हैं और इसको अब आकर परसेंटेज कर देते हैं, या मैं इसको ऐसे भी आप परसेंटेज निकालते हैं, मैं दिया इज इक्वल टू, ये अपने ऑब्टेन मार्क्स लिए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देते हैं 100, तो आपकी परसेंटेज आ गई 88%। तो दोस्तों अगर आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये बात आपने जेहन में रखनी है, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा अगर परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है तो इस तरीके से लगाना है जैसे मैंने ये लगाया, क्योंकि ये नंबर्स हैं। अब नंबर्स के हिसाब से बता दें कि 88% आए तो कितना हुआ, 99% आए तो कितना हुआ, मैं आगे चल के आपको मजीद तीसरा तरीका भी समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं परसेंटेज के हिसाब से लगाता हूँ फार्मूला, मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू के साथ मैंने ये लिया, आई एफ एफ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, परसेंटेज क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का साइन है, मैंने परसेंटेज का साइन लगा लिया। मैं कहता हूं जी अगर तो मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन है, कितनी मैंने आपको बताई थी 85%, 85 मैंने अगर लगाया ना, सिर्फ सिंपल मैंने 85 लिख दिया तो मेरा फार्मूला गलत हो जाएगा, ये मुझे आंसर नहीं देगा, मेरा गलत ग्रेड काउंट कर देगा। मुझे जब मैं परसेंटेज में काउंट करूं तो मुझे शिफ्ट के साथ इस नंबर के साथ परसेंटेज भी लगानी है, क्योंकि ये इसके साथ परसेंटेज है तो फिर इसके साथ भी तो परसेंटेज होगी ना, आपने 85% कैलकुलेट करना, उसको बता रहे हैं कि भाई 85% ये आपने हटा दिया तो उसका मतलब आपने नंबर कैलकुलेट कर दिया और वो गलत हो गया, आपका फार्मूला आंसर ही नहीं देगा, वो बार बार गलती देगा, आपने शिफ्ट के साथ परसेंटेज कर दिया, ठीक है। अब कॉमा लगाऊंगा, वही फार्मूला सेम, शिफ्ट डबल पोजिशन, डबल पोजिशन में हमारे पास क्या था जी, 85% से ज्यादा वाला ए शिफ्ट के साथ प्लस मैंने लिख दिया, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, ए प्लस शिफ्ट के साथ दोनों डबल पोजिशन साथ क्लोज, फिर कॉमा। अगला मालूम करना चाहता हूं इफ, इफ के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद दोबारा से इस कॉलम परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, परसेंटेज वाले कॉलम करने के साथ हमने क्या लिख दिया जी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हमारे पास कितना था 70%। अब मैं क्या लिखूंगा, 70% का साइन लाजमी लगाऊंगा क्योंकि मैं परसेंटेज में काउंट कर रहा हूं इसके साथ भी, क्योंकि मैंने इसके साथ परसेंटेज लगी हुई है, परसेंटेज का साइन है तो यहां परसेंटेज का साइन होना जरूरी है, अदरवाइज फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इनके साथ कॉमा लगाऊंगा, डबल पोजिशन, पहले ए प्लस था, अब मैंने ए मालूम करना है डबल पोजिशन के साथ क्लोज, फिर दोबारा से फिर मैं लिख देता हूँ इफ, इफ के साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ दोबारा से ये वाला कॉलम, फिर मैं इसको कह देता हूँ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितना है हमारे पास 60%, अब हमारे पास 60% होगा, ठीक है, 60 के साथ परसेंट लगाऊंगा लाजमी, अदरवाइज फार्मूला गलत हो जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लगाया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने फार्मूला लगाने के साथ दोबारा से कॉमा, डबल पोजिशन, 60% वाला मेरे पास क्या काउंट होगा, बी काउंट होगा, मैं बी काउंट होगा मेरे पास डबल पोजिशन, दोबारा से कॉमा, फिर इफ लगाऊंगा, इफ के साथ दोबारा से ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने सी काउंट करना था, इस पे दोबारा से मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं कहूंगा ग्रेटर देन, अगर हमारे पास 50 होंगे
ग्रेटर देन 50 के साथ शिफ्ट के साथ परसेंट लगा दूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इसको कॉमा लगाऊंगा डबल पोजिशन के साथ, सी लिख दूंगा और डबल पोजिशन ये हो गया। अब दोबारा से कॉमा आई एफ इफ इफ के साथ दोबारा से क्या करेंगे जी, ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब हमने मालूम करना है अगर 50% से बिलो हो तो हम पहले ग्रेटर देन लगा रहे थे, अब हम क्या लगा देंगे जी 50% बिलो। ठीक है, बिलो हो कितने परसेंट से, 50 शिफ्ट के साथ परसेंट से, तो जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको क्या कहां क्या कैलकुलेट कर देगा, डी परसेंट पे कैलकुलेट, उनका ग्रेड जो है डी परसेंट निकाल देगा। अब हमने ये निकाला, कॉमा लगाया, शिफ्ट डबल पोटेशन, उसके साथ हमने क्या क्या चीज दे दी, डी। डी के साथ दोबारा से हमने कॉम ये लगा दिया। अब हमने मालूम करना था 1 2 3 4 5, ये देखें जी जितने फार्मूले लगाए, ए प्लस 1 ए 2 बी 3 सी कितना हमारे पास, सॉरी ए प्लस 1 ए 2 बी 3 सी 4 और डी 5, पांच फार्मूले लगाए, पांच ब्रैकेट लगा दें शिफ्ट के साथ, 1 2 3 4 5, जितने फार्मूले लगाएंगे उतने ब्रैकेट आपने लगा देने, इंटर मारूंगा तो जी आपके सामने आंसर आ गया ए प्लस। ठीक है, ये वाला जो ग्रेड है इसमें फर्क और इसमें फर्क है, उसका फर्क रीजन क्या है कि यहां पे हमने नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेट किया, अपने हिसाब से इसका ग्रेड निकला, जो जो नंबर्स हमने उनको दिए थे उस हिसाब से उसने ग्रेड निकाल दिया। अब मैं इस पूरे को ड्रैग कर देता हूं जी आपके सामने आ गया ए प्लस, उसका रीजन क्या है कि इसके नंबर जरा चेक करें, 85% इसके 89% है, 85% से ज्यादा है तो ए प्लस आ गया। इसके 54 है, इसके 54% है, यहां मतलब 50% से ग्रेटर देन है ये, तो उसका ग्रेड सी आएगा ना, क्योंकि 60% वाला हमारे पास बी होगा, इसके सी होगा सिंपल। इसके भाई इसका हमारे पास 50% बी क्यों आया, इसका 50% पे हमने बताया लेस देन, यहां में बताने ग्रेटर देन अगर 50% होगा तो ग्रेड हमारे पास सी बनेगा, लेकिन 50% पे ग्रेड डी बनेगा, आपका डी ग्रेड आ गया। इसका डी इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। अब मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर बताता चलूं कि आप लोगों ने पहले नंबर्स के ऊपर परसेंटेज को कैलकुलेट किया, ठीक है, टोटल नंबर्स के ऊपर मतलब ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने परसेंटेज के साइन के साथ ग्रेड को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूं, मैं परसेंटेज के ऊपर ही आप लोगों को दोबारा से ग्रेड करता हूं, लेकिन उसमें परसेंटेज का साइन नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज का साइन नहीं होगा, मैं जस्ट परसेंटेज कैलकुलेट इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं जी, और ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूं 100, एंटर मारूंगा तो जी परसेंटेज आ गई, सॉरी गलत हो गया, इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ गई। मैं इसको यहां से लेकर यहां तक ड्रैग कर देता हूं, इस को पकड़ के फॉर्मेट सेल में आता हूं और मैं जर्नल में नंबर्स में आने के साथ परसेंटेज में आने के बाद ओके करता हूं, ये सॉरी ये मेरा गलत आ रहा है परसेंटेज, मैं दोबारा से निकालता हूं जरा, इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, मैं ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइडेड बाय करता हूं इसके ऊपर और मल्टीप्लाई करता हूं 100 के ऊपर, तो फार्मूले का ऑप्शन आ रहा है और फॉर्मेट सेल मैं नंबर्स पे आ जाता हूं और ओके कर देता हूं। ठीक है, तो देखें 89% आपकी आ गई। अब मैं यहां पर आकर इसको ड्रैग कर देता हूं, ठीक है, अब इसकी परसेंटेज कितनी आई 89, इसकी 54% का लास्ट लेक्चर, एक दो लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं पहले, आप परसेंटेज को लेक्चर को चेक कर लीजिएगा। देखें इसके पहले हमने 89% मालूम करनी थी, साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ था तो इसका फार्मूला अलहदा है, इसके साथ फिर जब आपने 80% 50% 30% जितने भी मालूम करें तो साथ साथ आपने परसेंटेज का फार्मूला यूज करना है। अब हमने 89 पे बना, अब देखें इसके साथ परसेंटेज का फार्मूला नहीं है, परसेंटेज का साइन नहीं है, तो इसका ग्रेड मालूम करने का फार्मूला जो है वो अलहदा होगा। मैं इस पे आपको मालूम करके दिखाता हूं सिर्फ एक, ठीक है। अब ये देखें हमने यहां पर क्या किया था, हमने यहां पर परसेंटेज के साइन को साथ लेकर चल रहे थे तो इसने कैलकुलेट किया, अब हम परसेंटेज के साइन को साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ। अब वही फार्मूला, यही कंडीशन जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी इसके ऊपर हम करते हैं। मैं क्या करता हूं जी, इज इक्वल टू आई एफ इफ शिफ्ट के साथ में क्या कर लेता हूं, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट। अब मैं इसको बता रहा हूं जी 85%, समझे ये 85 नंबर है, मैं इसको डिलीट करता हूं ताकि आप लोगों की क्लियर कंडीशन हो जाए। ठीक है, परसेंट का साइन हटा दिया, 85 70 60 50% और
50%, ये परसेंटेज ही है समझे, 85%, 70%, 60%, 50%, 55%, क्योंकि यहां पर परसेंटेज आपने कैलकुलेट की सेम, लेकिन सिर्फ परसेंटेज का साइन नहीं लगाया। तो आपने परसेंटेज का साइन जब आप लगाएंगे तो अलहदा से आप लोगों ने परसेंटेज का साइन के साथ ग्रेड के फार्मूले में परसेंटेज का साइन ऐड करना है। अब यहां पर परसेंटेज का साइन नहीं है तो मैं परसेंटेज का साइन नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल अपनी रकम लिखूंगा। मैं क्या लिखता हूं, इज इक्वल टू आई एफ इफ लिखने के बाद शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर मैं क्या करूंगा, आप देख सकते हैं मैंने अपने इस वाले को मालूम करना है, ये नंबर सीधे ये और ये सेम है, मैं इसके ऊपर अपनी ग्रेड के फार्मूले को मालूम करूं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब मैं क्या कहूंगा जी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 85 से प्लस होगा तो ए प्लस होगा, ठीक है। मैं यहां पर सिंपल 85 लिखूंगा, पहले मैं परसेंटेज शिफ्ट के साथ परसेंट लगा रहा था, अब मैं परसेंट नहीं लगाऊंगा, उसका रीजन है क्योंकि मैं नंबर्स के ऊपर परसेंटेज को काउंट कर रहा हूं, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने क्या लिया जी, 85% अगर नंबर होंगे, 85 ग्रेटर देन 85 होगा तो कॉमा, कॉमा के साथ डबल पोजिशन, यहां पर आ जाएगा जी ए प्लस, ए प्लस लगा देता हूं जी, मेरे पास ए प्लस आ गया, डबल पुटिंग साथ ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब दोबारा से आई एफ इफ का फार्मूला मैंने लगाया, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद, दोबारा से मैं 89 वाले परसेंट को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं ग्रेटर देन अगर मैं करता हूं 70, मैं यहां लिख देता हूं 70, शिफ्ट के साथ कॉमा, इसके बाद डबल पुटेशन, इस पर मैं लिख देता हूं जी बी, उसको उसका मुझे बन जाए ए 70 वाले का शिफ्ट के साथ डबल पुटेशन, फिर कॉमा, फिर मैं तीसरी कंडीशन लगाता हूँ आई एफ इफ, इफ के बाद शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा दोबारा से इस वाले कॉलम को, तीसरी कंडीशन में देना चाह रहा हूं बी ग्रेड वालों के लिए, ग्रेटर देन मैं लिख देता हूं जी 60, 60 के बाद मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, शिफ्ट कॉमा डबल पोटिशन, इसमें मैं लिख देता हूं जी बी, मैंने क्या लिख दिया जी बी, डबल पोटिंग साथ ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने कॉमा लगाया, दोबारा से मैं अगले उस पर आ जाता हूं आई एफ इफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट में अब लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाने के बाद अब मुझे सी मालूम करना है कि यानी कि जो बच्चे 50% से ग्रेटर देन हो उनके लिए हमारे पास 50 और 60 के दरमियान हो तो उनका हमारे पास सी आ जाए। अब मैं क्या लिखता हूं, इसी को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, यहां पर ग्रेटर देन लिख लूंगा और मैं यहां पे क्या लिखूंगा 50, ठीक है जी 50 कॉमा डबल पोटिशन, इनको क्या कह देंगे जी हम सी, सी डबल पोटिशन के साथ ही हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और फिर कॉमा लगाएंगे। अब हम लास्ट फार्मूला के 50% से जितने नीचे वाले हैं वो सारे डी में आ जाएं। अब हम क्या करेंगे जी आई एफ इफ ब्रैकेट, इसी कॉलम को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, फिर लेस देन कर दूंगा, पहले ग्रेटर देन कह रहा था, लेस देन कितने से हो, 50 नंबर 50% से नीचे होंगे तो हमारे पास सारे के सारे डी आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कॉमा डबल पोजिशन लगा के इनको मैं करता हूँ डी, उसके बाद दोबारा से डबल पोटिशन। अब देखें हमने कितने फार्मूले लगाए थे, कितने ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2, ब्रैकेट नंबर 3, ब्रैकेट नंबर 4, ब्रैकेट नंबर 5, जब 5 ब्रैकेट ओपन किए हुए हैं तो 5 ब्रैकेट को क्लोज भी करना है शिफ्ट के साथ 1 2 3 4, 5 के 5 ब्रैकेट जी आप लोगों के पास क्लोज हो गए। जस्ट आप एंटर मारेंगे तो आपके पास थोड़ा सा ये एरर दे रहा है, किसी जगह पर मैंने गलती की है, वो कह रहा है मैं इसको चेक करता हूँ। If M3 greater than 85, comma double position. If M3 greater than 70, double position, comma. If M3 greater than 60, double position. If M3 greater than 50, comma C. If greater than M3 less than 50, comma. ठीक है, ओके मेरा ठीक है जी, फार्मूला मेरा ओके था, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपके सामने देख सकते हैं जी ए प्लस आपका जो है वो ब्रैकेट सेम वही फार्मूला आ गया आपके सामने, किसी किस्म का कोई रदो बदल नहीं। ये देखें कि हमने परसेंटेज में मालूम किया था, ये हमने नंबर्स के ऊपर मालूम किया सिंपल, और ये हमने एस्टिमेटेड नंबर में मालूम किया कि इतने नंबर हो तो इतना हो, इतना नंबर हो तो इतना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ग्रेड की क्लास समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन क्लास है। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर मार्कशीट को क्रिएट करना सीखेंगे कि आपने मार्कशीट को किस तरीके से क्रिएट करना है। तो दोस्तों मेरी इस क्लास जो कि ना समझ आए, अगर आप लोगों को बार बार इसको वॉच करें, बार बार सीखें, फिर भी ना समझ आए तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप लोग बाकायदा तौर पर मेरे से इस क्लास को सीख सकते हैं। बहुत अहमियत क्लास है, ग्रेड के फार्मूला आपका जगह जगह काम आता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। आप लोगों ने जो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है, आपने मुझे परसेंटेज के ऊपर भी ग्रेड का फार्मूला निकाल के दिखाना है, आपने मुझे विदाउट परसेंटेज साइन के ग्रेड का फार्मूला निकाल के दिखाना है, और आपने मार्क ऑप्टेन मार्क्स के ऊपर मुझे परसेंटेज कोई भी एस्टीमेट रख ले नीचे कि इतने इतने नंबर हो तो
650 हो, 450 हो, तो उस पर ए बने, बी बने, ये तीन तरह से आपने मुझे ग्रेड का फार्मूला जो है निकाल के देना है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप जब बनाएंगे तो खुद ब खुद आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा।